पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आज 125 विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। मुरादाबाद नगर विधानसभा 28 से हाजी रिजवान कुरैशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। रिजवान को प्रत्याशी की घोषणा की सूचना के बाद कांग्रेस और समर्थक रिजवान के कार्यालय पर एकत्रित हो गए। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की, साथ ही कोविड के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान के समर्थक ना तो मास्क पहने हुए थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने पालन किया। आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई गई, सड़क पर भी जाम की स्थिति बन गई, पुलिस को आकर जाम खुलवाना पड़ा। दरअसल जनपद मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से अभी कांग्रेस पार्टी ने 2 ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। 28 नगर विधानसभा सीट से हाजी रिजवान को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाजी रिजवान का मुरादाबाद शहर सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो वादा उत्तर प्रदेश की जनता से किया था, सबसे पहला वादा उन्होंने निभाने का काम किया। पहली ही लिस्ट में 40% महिलाओं का कोटा पूरा करते हुए उन्होंने 50 से ज़्यादा टिकट महिलाओं को देते हुए अपना वादा निभाया। और मुरादाबाद की जनता, प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग वादा निभाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो वायदा कर लेते हैं उसको निभाने के लिए किसी हद तक भी जाने के से पीछे नहीं हटते। एक तरह के आपको पर जिम्मेदारी दी आ गई है, आप 22 के चुनाव में क्या तैयारी? देखिए, तैयारी की बात यह है कि पिछले 4 साल से जिस दिन से मैं मेयर का चुनाव हारा था, 77,000 वोट इसी मुरादाबाद की जनता ने मुझे प्यार से नवाजते हुए दिए थे, उसके बाद से आज तक मैंने अपने लोगों के, मुरादाबाद शहर की जनता के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को अपना साथी मानते हुए, अपना वोटर मानते हुए, और मैंने उनके सुख दुख अच्छे बुरे में कभी पीछे नहीं हटा और हमेशा उनके साथ रहा हूँ। चाहे CNRC का मामला रहा हो, चाहे कोरोना काल में कोई रहा हो, मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुझे भागदौड़ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीत इंशाल्लाह दर्ज होगी। कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, नौजवान विधायक कैसा हो। शहर से आप विजय होते हैं तो क्या ऐसी शहर में जो व्यवस्था है आप लागू करेंगे जो शहर वासियों को चाहिए, विधानसभा 28 में जो नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले मुरादाबाद को एक जाम की समस्या हमेशा से रही है, एक यूनिवर्सिटी की भी, सरकारी यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी तो है, दो दो हैं मगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है। प्लस मुरादाबाद में एक करूला क्षेत्र है जिसमें 1 लाख से ऊपर आबादी है, जहां पर चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे गलियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, वो आज भी मुरादाबाद में शहर में नगर निगम की सीमा में होते हुए भी आज भी वहाँ के हालात गाँवों से भी ज़्यादा बदतर हैं, बल्कि बद से बदतर हैं। तो वहाँ पर पूरी मेरी प्रेफरेंस रहेगा कि वहाँ सुख सुविधाएं जिस तरह की भी हम दे सकते हैं सरकार द्वारा, वो पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।